गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट थर्ड का आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो जनरल अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स के अंदर टू टाइप की ग्लैंड पाई जाती हैं। एक पाई जाती है एग्जोक्राइन ग्लैंड और दूसरी है एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहली बात करते हैं हम एग्जोक्राइन ग्लैंड। तो इनसे निकलने वाला सिक्रीशन, जो एग्जोक्राइन ग्लैंड है, इनसे निकलने वाला सिक्रीशन किसी भी डक्ट द्वारा ठीक है उस प्लेस पर पहुंचता है जहां इसकी आवश्यकता होती है। उस प्लेस पर पहुंचा किसके द्वारा? डक्ट द्वारा, बाय डक्ट। तो इनसे निकलने वाला सिक्रीशन डक्ट द्वारा उस प्लेस पर पहुंचता है जहां इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? एग्जोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव ग्लैंड स्वीट ग्लैंड ठीक है, और लिवर। ठीक है, तो ये क्या है हमारी एग्जोक्राइन ग्लैंड कहलाती है, या इनको डक्टेड ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि डक्ट द्वारा डक्ट दिखाई जाता है। दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो ये ग्लैंड कैसी होती है? विदाउट डक्ट होती है। ठीक है, इनसे निकलने वाले सिक्रीशन को हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और ये सिक्रीशन ब्लड कैपिलरीज द्वारा अपने उस प्लेस पर पहुंचता है जहां इनकी आवश्यकता होती है, जहां इनकी इंपॉर्टेंस होती है। वो प्लेस जहां ये सिक्रीशन पहुंचता है उस प्लेस को टारगेट प्लेस कहते हैं। और उन सेल को जिसके अंदर सेल हैं, इन सेल को टारगेट सेल कहते हैं। सबसे पहली बात आ रही है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड है। तो इसमें हमारी सबसे पहली ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो शुरुआत क्या हुई कि वर्टिब्रेट के अंदर कितने तरीके की ग्लैंड है? दो तरीके की ग्लैंड, एक है एग्जोक्राइन ग्लैंड, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड। एग्जोक्राइन ग्लैंड हो गई डक्टेड ग्लैंड, यानी कि इनसे निकलने वाला सेक्रेशन को क्या डक्ट के द्वारा कहां पहुंचेगा? उस जगह पर पहुंचेगा, उस प्लेस पर पहुंचेगा जहां इसकी जरूरत है, जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड है, स्वीट ग्लैंड है। इसी तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड है नंबर दो, जो कि हमारा टॉपिक है। जब विदाउट डक्ट होती है, इनमें कोई डक्ट नहीं पाई जाती, और इनसे निकलने वाले सेक्रेशन को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और ये सिक्रीशन ब्लड कैपिलरीज द्वारा उस प्लेस पर पहुंचता है जहां इसकी इंपॉर्टेंस होती है। इस प्लेस को क्या कहते हैं? टारगेट प्लेस कहते हैं, और इनमें सेल जो है उन सेल को टारगेट सेल कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या मतलब हुआ? तो कुल मिलाकर अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो थी, इन ग्लैंड के अंदर बहुत सारी ग्लैंड आती हैं और उनसे बहुत से हार्मोन निकलते हैं जो हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटी में अपना रोल प्ले करते हैं। तो उनमें पहली जो हमारी ग्लैंड है उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।